अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास की कोर्स का बाकायदा आगाज करेंगे और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक क्लास है। इस सब्जेक्ट में जो आप सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे वो है आपका कुरान हिस्सा, और कुरान हिस्से में जो चीज़ आपने सबसे पहले पढ़नी है वो आपकी है सूरह अज़ाब। टेंथ क्लास के कोर्स में आप दो सूरतें पढ़ेंगे, एक होगी आपकी सूरह अज़ाब और दूसरी होगी आपकी सूरह अल-मुमतहिना। क्योंकि हमारी सूरह अज़ाब पहले है तो हम सूरह अज़ाब पहले करेंगे पढ़ेंगे और आज हम सूरह अज़ाब से ही अपना आगाज करेंगे। सूरह अज़ाब का बाकायदा आगाज करने से पहले हम इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सूरह अज़ाब में बेसिकली आपने जो चीज़ लर्न करनी है वो क्या है, वो आपका तर्जमा है और उसकी एक्सरसाइज है। तो सूरह अज़ाब का बाकायदा आगाज करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि इस सूरत का जो नाम है सूरह अज़ाब, इसका क्या मतलब है, इसकी वजह तस्मिया क्या है, यानी कि इस सूरत का नाम सूरह अज़ाब क्यों रखा गया। तो इसका तारुफ भी आता है कि सूरह अज़ाब में जो अहज़ाब वर्ड है ये हिस्स की जमा है, यानी कि अहज़ाब जो है ये जमा है, हिस्स जो है ये वाहिद है। इसका मतलब है कबीला, ग्रोह या लश्कर, यानी कि हिस्स का मतलब क्या है, कबीला, ग्रोह या लश्कर। अगर हम अहज़ाब का मानी लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे कबाइल। अब इस सूरत को सूरह अज़ाब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गज़वा अहज़ाब के वाकयात बयान किए गए हैं, यानी कि इसमें क्या चीज़ बयान की गई है, गज़वा अहज़ाब के वाकयात हैं, इस वजह से इसको सूरह अहज़ाब कहते हैं। गज़वा अहज़ाब जो है ये इस्लाम का तीसरा बड़ा मार्का था, यानी कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं हुए थे, उससे पहले गज़वा बदर और गज़वा उहद हुआ था, उसके बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही थी, लेकिन एक जो बड़ा मार्का था जैसे गज़वा उहद एक बहुत बड़ा मार्का था, गज़वा बदर एक बहुत बड़ा मार्का था, इसी तरह गज़वा अहज़ाब जो था ये भी एक बड़ा मार्का था। और इसमें मुशरिकीन की तरफ से बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे ग्रोह और बहुत सारे लश्करों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था, इसलिए इस सूरत का नाम या फिर इस गज़वे का नाम गज़वा अहज़ाब है। गज़वा अहज़ाब की वजह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे कबाइल ने मिलकर मदीना पर हमला किया था, इस वजह से इसको गज़वा अहज़ाब कहते हैं। इसके अलावा गज़वा अहज़ाब को गज़वा खंदक भी कहते हैं। खंदक का मतलब क्या है, कि खंदक का मतलब है कि आप एक ज़मीन के अंदर कोई बहुत बड़ा गड़ा खोद लें। अब मुसलमान जो थे वो तादाद में कम थे और मुशरिकीन जो थे वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ मिलकर मशवरा किया कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी या हिकमत अपनी अपनाई जाए कि जिसकी वजह से हम मदीना का दिफा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से एक सहाबी थे जिनका नाम हज़रत सुलेमान फारसी था, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया कि हम मदीना की अतराफ में जिस तरफ से मुशरिकीन हमला कर रहे हैं उस तरफ हम खंदक खोद देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस मशवरे को पसंद फरमाया और मदीना के इर्द गिर्द उन्होंने ये खंदक खोदी। वो खंदक जो थी वो 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी थी, इनके कोई भी शख्स जो है वो आसानी से उसे फैला नहीं सकता था, और अगर उसमें कोई गिर जाए तो उसमें से आसानी से निकल नहीं सकता था। अब कुफार की तरफ से एक शख्स था जिसका नाम था अमर, उसने इस खंदक को फैलाने की कोशिश की थी और वो कामयाब हो गया था, लेकिन वो मुसलमानों के हाथ चल गया था और मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दिया था। यह था इसकी गज़वा अहज़ाब या सूरह अहज़ाब के नाम की वजह तस्मिया, कि इसको क्यों गज़वा अहज़ाब कहते हैं और इसका नाम सूरह अहज़ाब क्यों रखा गया। इसके अलावा इसके तारुफ में थोड़ी सी बातें आ जाती हैं कि इसके कितने रुकू हैं और इसकी कितनी आयात हैं, ये कब नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। तो इसके रुकू जो हैं वो इसके रुकू 9 रुकू हैं, आपका हर एक चैप्टर जो है वो एक रुकू पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसकी 73 आयात हैं और ये 5 हिजरी में मदीना में नाजिल हुई, क्योंकि जितनी भी गज़वात हैं वो सारे के सारे मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद हुए थे, और सारे के सारे गज़वात की जब हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे, इसलिए ये सूरत भी मदीना में नाजिल हुई 5 हिजरी में। तो ये था इसका तारुफ, आपने इसके इंट्रोडक्शन को याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम अपने चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे। इसका सबसे पहला चैप्टर है जिसकी 8 आयात है। तो इसके चैप्टर में बेसिकली जो आपने चीज़ें करनी है वो क्या है, वो है आपकी ट्रांसलेशन याद करने के लिए और इसकी आपके साथ एक्सरसाइज है। तो इसकी सबसे पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकामात दिए हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहन्नबी इत्तकिल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन,
ऐ नबी अल्लाह से डरते रहना और कुफार और मुनाफिकीन का कहना ना मानना। अब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाला हुक्म क्यों दिया, इसकी वजह क्या थी? अगर आप इसके अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक तफसीली वाक्या पढ़ेंगे जिसमें हजरत ज़ैद बिन हारिस, जिनको लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत छोटी उम्र से उन्हें अपने पास रखा था और उन्होंने उसकी परवरिश की थी, तो उनके बारे में एक अहमात थे जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के लोग थे मुशरिकीन से उनसे डर रहे थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मानेंगे या वो काम जो ज़ैद बिन साबित ने या ज़ैद बिन हारिस ने छोड़ना है उस काम में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करेंगे तो अल्लाह ताला से तो मुनाफिकीन जो हैं या मुशरिकीन जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ होंगे और उनके इस्लाम पर उनके दीन पर असर पड़ सकता है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह से डरते रहना और कुफार और मुनाफिकीन का कहा ना मानना, यानी कि काफिर और मुनाफिक जो आपको कहते हैं या आपके अहकामात के बारे में या आपके अमल के बारे में कोई भी बात अगर वो कहते हैं तो उससे आपने डरना नहीं है, बल्कि डरना किससे है, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना है। इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा, कि बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। इनके जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दे रहे हैं या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसकी हिकमत क्या है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी मसलहत रखी है, उसकी मसलहत और उसकी हिकमत को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। फिर दूसरी आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया वत्ता भी मा यूहा इलैका मिन रब्बिका, कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो वही की जाती है आप उसकी पैरवी करना, यानी कि आपका रब आपको जो हुक्म देता है आपने उसी की पैरवी करनी है, ना कि काफिर क्या कहेंगे या मुनाफिक क्या कहेंगे या दूसरे लोग क्या कहेंगे आप उसकी पैरवी करें, बल्कि आपने पैरवी किसकी करनी है, आपने अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको अहकाम दिए जाते हैं जो वही आप पर नाजिल की जाती है आपने सिर्फ उसकी ही पैरवी करनी है। इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना खबीरा, कि बेशक जो आप करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम हमलों से बाखबर है, यानी कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि बाकी तमाम लोगों को भी मुखातिब किया है कि आप कोई भी अमल करें चाहे वो आपका अमल कैसा भी हो, आप छुप कर करें या वो आप जाहिरी तौर पर करें, उन सारे अमाल से अल्लाह रब्बुल इज्जत बाखबर है। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखें, यानी कि आपने क्या करना है, जो हुक्म आपको दिया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो हुक्म आपने पूरा करना है, आपने अपनी कोशिश करनी है, अपना सारा सोर्सेस लगा देनी है, अपनी सारी सलाहियतें लगा देनी है, उसके बाद आपने भरोसा किस पर करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर। वकफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ताला ही वकील या कारसाज काफ़ी है, यानी कि आप अपनी हर तरह की सलाहियत यूज़ कर लें, अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर लें, उसके बाद आपका भरोसा किस पर होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर। अच्छा, इस आयत में अगर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वर्ड यूज़ किया है वकील का, और देखिए कि अगर हम दुनिया में कोई केस लड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपनी सारी जो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी आपके पास सोर्सेस हो, यानी कि जब आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप वो सारा काम करने के बाद अपने सारे का सारा भरोसा किस पर रख लेते हैं, वकील पर भरोसा रखते हैं कि वो वकील जो है वो अब आपके केस को बहुत अच्छी तरह से लड़ेगा और इंशाल्लाह आप उस केस में जीत जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वकील किसको बनाया है, अपनी ज़ात को, कि जब हम अपनी सारी सलाहियतें यूज़ करके भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कारसाज या वकील काफ़ी है। फिर आयत नंबर 4 है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, पहलू मतलब सीने में, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए। इसका मतलब क्या है कि अगर इंसान के दो दिल होते तो क्या होता कि एक में इंसान अल्लाह ताला का खौफ रख लेता, दूसरे में वो अल्लाह ताला से बेखौफी रखता, एक दिल में उसके अंदर खैर होती दूसरे में शर होती, एक से वो नेकी कर रहा होता दूसरे से वो बुराई कर रहा होता, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि एक ही वक्त में इंसान के अंदर दो चीज़ें नहीं रह सकती, अगर दिल एक है तो उसके अंदर रहने वाला अकीदा भी एक होना चाहिए, यानी कि अकीदा क्या होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात वाहिद है। फिर उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा जअला अज़वाजकुम उल्लाती तुज़ाहिरूना मिन्हुन्ना उम्महातिकुम, कि ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया। यहाँ पर एक ज़माना चाहिए थी रवायत का या रस्म का या फिर एक बहुत बड़ी जहालत का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है जो कि है जिहाद। जिहाद में क्या होता था,
मुशरिकीन मक्का की आदत थी कि जब वो अपनी बीवियों से तंग आ जाते थे या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा कहते करते थे तो उन्हें कह देते थे कि तुम मेरी माँ जैसी हो। इसका मतलब क्या होता था कि उनका जो आपस का रिलेशनशिप होता था वो टोटली ख़त्म नहीं होता था, लेकिन उनका रिश्ता जो था वो ब्लॉक हो जाता था, यानी कि उनके दरमियान जो इज़्तिवाजी ताल्लुक है वो कायम नहीं हो सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम्हारी माँ तो सिर्फ वो है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी बीवी कभी भी तुम्हारी माँ जैसी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद फरमाया वमा जाला अदियाकुम अबनाकुम, और ना ही तुम्हारे लिए पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया, यानी कि वो बच्चे जिनको अडॉप्ट करके पाला जाता है वो हकीकी बच्चे नहीं होते। जालिकुम कौलुकुम बि अफवाहिकुम, ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, यानी कि अगर तुम ऐसे काम करते हो ये सिर्फ तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसका हुक्म नहीं है। वल्लाहु यकूलुल हक्कु वहुवा यहदी सबील, और अल्लाह ताला सच्ची बात फरमाते हैं और वही सीधा रास्ता है, यानी कि इस किताब में इस वही के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात बयान करती है वो सच्ची बात है। इसके अलावा अगर लोग अपनी मर्जी करते हैं या अपने तरीके से किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी अपनी बात है। फिर अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंह वाले बेटों के बारे में ही बताया है, उदुहुम ली अबाइहिम हुवा अक्सतु इंदुल्लाही, कि ले बालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारो कि खुदा के नज़दीक यही बात दुरुस्त है। यानी कि अगर आपने किसी के बच्चे को अडॉप्ट किया है या किसी से लेकर आपने उसको पाला है तो उसको उसके बाप के नाम के साथ ही मंसूब किया जाए, ना कि अपना नाम उसके साथ लगाया जाए, क्योंकि यही बात अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको पैदा करने वाले उसके माँ बाप है, पालने वाले अलग हैं। फ़ैन लम तालमु आबाहुम, फिर अगर तुम्हें उनके बापों के नाम नहीं पता, फ़ैख्वानुकुम फिद्दीन व मवालिकुम, फिर वो तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे भाई हैं दीन में। यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके पेरेंट्स जो हैं उनके नाम नहीं पता किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर बजाय उसको अपना नाम देने के वो तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे भाई हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही, और उस पर कोई गुनाह नहीं जो तुमसे गलती से हो गई, यानी कि कोई भी ऐसा गुनाह जो गलती से हो जाए या जिसके बारे में इल्म ना हो, अगर वो कुताही हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उसके बारे में किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं। वलकिन मदद हुकुम, लेकिन जो तुम्हारे दिल इरादतन करें, यानी कि वो बात जो तुम जानबूझ के करो तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पकड़ होगी। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि जो काम गलती से हो गया है, जो कुताही हो गई है अनजाने में, उस पर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ़ फरमाने वाले और बख्शने वाले हैं। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाज का एहतराम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अन नबीशु औला बिल मोमिनीन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनके जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक क्या है? हमारी अपनी जानों पर। इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ उसके लिए होती है वो उसकी अपनी ज़िंदगी होती है, उसकी अपनी जान होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको अपनी ज़िंदगी में से दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी दे दें। इसी बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके आबा, उसकी औलाद, उसकी माल और उसकी जान से बढ़कर भी अजीज ना हो जाऊँ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मिन अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्मुल मोमिनीन हैं, वो सारे मोमिनीन की माएँ हैं। इसका क्या मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके साथ निकाह करना हराम है, क्योंकि माओं के साथ निकाह नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, उनके विसाल के बाद, उनकी बीवियों के साथ निकाह करना हराम है। वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि, और रिश्तेदार आपस में किताब के रूह से मुसलमानों और मुहाजरीन से ज़्यादा हकदार हैं। मिनल मोमिनीना वल मुहाजरीना, इनके मोमिनों और मुहाजरीन से ज़्यादा हकदार है। अब यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र किया गया? जब मोमिनों ने या मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की थी
तो मुसलमान अपना सब कुछ जो था वो पीछे छोड़ गए थे, खाली हाथ गए थे। जब वो मदीना पहुंचे थे उनके पास कुछ भी नहीं था। वहां पर पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन के दरमियान एक रिश्ता कायम किया था जिसे निज़ाम मुवाफात कहते हैं। एक महाजर को एक अंसार का भाई बना दिया था। अब उसमें हुआ क्या था कि जो अंसार थे उन्होंने अपनी हर चीज में से आधा हिस्सा महाजर को दे दिया था। अब उसमें होता क्या था कि एक दूसरे के जो हकूक थे वो तल्फ होते थे, यानी कि हकीकी भाइयों के या हकीकी रिश्तेदारों के हकूक जो थे वो तल्फ होते थे, क्योंकि जब विरासत की तकसीम होती थी तो वहाँ पर महाजीन को भी हिस्सा दिया जाता था। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि रिश्तेदार आपस में अल्लाह ताला की किताब से ज़्यादा हक रखते हैं बजाय मुसलमानों के या महाजरीन के। मारूफा, ये कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो तो ये और बात है, यानी कि अपनी विरासत के अलावा अपने दोस्तों के साथ यानी कि जो मुसलमान हैं जो दूसरे महाजर हैं उनके साथ तुम भलाई करना चाहो तो वो एक अलग बात है, यानी कि उनको किसी तरह का तोहफा दे सकते हो, उनको हिबा दे सकते हो, या फिर कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। काना जालिका की किताब फिर किताब ही मस्तूरा, और ये किताब में लिखा हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो किताब नाजिल करता है वो किताब कौन सी है, वो कुरान पाक है, और उस किताब की तरफ में ये लिखा हुआ है कि रिश्तेदार ज़्यादा हक रखते हैं, यानी कि आपकी विरासत में जब प्रॉपर्टी की तकसीम होती है तो उस प्रॉपर्टी में ज़्यादा हक किसका है, रिश्तेदारों का है। आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहद का जिक्र किया है, और इस अहद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अंबिया का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वाइस्ताखज़ना मिनन नबीय्यीन, और जब हमने नबियों से अहद लिया, वमिन का वमिन नूहिन आप से और नूह से, व इब्राहीम व मूसा और इब्राहीम से और मूसा से, व ईसा बिन मरियम और ईसा इब्ने मरियम से, वह अखसना मिन, और हमने उनसे अहद लिया मिसाकन वनीसा पुख्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने पैगंबरों से अहद लिया, तुमसे नूह अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से और ईसा इब्ने मरियम से, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। अब इसमें जो अहद है उसका क्या मतलब है, अहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों से क्या लिया था, नबियों का काम क्या था, नबियों का काम ये था कि वो लोगों को एक रब की इबादत की तरफ बुलाएंगे, वो लोगों में तबलीग करेंगे और वो अपनी सेहत को खूब अच्छी तरह निभाएंगे। उसी बात का अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने अगर उनसे अहद लिया तो अल्लाह ताला ने उनसे बहुत मजबूत अहद लिया कि उन्होंने अपनी उस अहद को पूरा किया। ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त करें, यानी कि अब अहद लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम ख़त्म नहीं कर दिया, बल्कि जिन लोगों तक उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अहद की गवाही भी लेंगे। जो सच्चे लोग होंगे वो इस अहद की गवाही देंगे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपना काम पूरा किया। वअअ्दा लिलकाफ़िरीन, और तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब, कि वो लोग जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या तैयार कर रखा है, दर्दनाक अज़ाब। अब इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास अल्फाज माने आते हैं, आपने इनके अल्फाज माने याद करने हैं, जैसे जौफिन है पहलू, पसलियों के नीचे का हिस्सा, जिसम का वो हिस्सा जहाँ दिल होता है, यानी कि सीना, सीने के दरमियान सीने में दिल होता है, तो इसलिए जौफिन का मतलब है पहलू या धड़। फिर उसके बाद तुजाहिरून अदिया अफवाही उदूम अक्सत तअम्मदत औला उलहानी मस्तूर है। अब इन सारे अल्फाज के एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो आपने ये मीनिंग याद करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज आए और उस एमसीक्यूज में उसका वो मीनिंग आ जाए जो आपने याद ना किया हो, तो वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस सबक की इब्तदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई, यानी कि अगर आप इसकी पहली तीन आयतें देखें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकाम दिए हैं, जिसमें सबसे पहला अहकाम हुक्म क्या है कि अल्लाह ताला से डरते रहें, काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना माने। दूसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या दिया कि जो आपकी तरफ वही की जाती है आप सिर्फ उसका हुक्म माने।
और तीसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस सबक की आयात में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी है। उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 3 है उसमें कुछ इबारात हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है और उसको एक्सप्लेन करना होता है 2 से 3 लाइनों में। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लेक्चर था। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से याद करना है, इसकी इंट्रोडक्शन को आपने माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। गज़वे हज़ार का दूसरा नाम क्या है, गज़वे खंदक, इस चीज़ को आपने जरूर याद रखना है। जज़ाकल्लाह खैर।